क्या आप लोग भी प्ले स्टोर यूज़ करते हैं? अगर आप लोग प्ले स्टोर यूज़ करते हैं और आप लोग प्ले स्टोर पर जाके किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन अगर पेंडिंग में चला जाता है तो आप लोग इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं। देख सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में है। तो पेंडिंग में अगर आप लोगों को आता है ये इशू तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से आपको ये जो इशू है वो सॉल्व करना है ताकि आप लोग का पेंडिंग का प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, तो देखिए ये प्रॉब्लम आने का सिर्फ एक रीज़न होता है कि आप लोगों ने प्ले स्टोर पर कोई सेटिंग किया है या फिर जो है स्टोरेज आपका फुल है, ठीक है। तो स्टोरेज चेक कर लेना, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो सेटिंग से ही आती है। तो यहाँ पर कैसे आपको सॉल्व करना है सेटिंग से आपको मैं अभी बताता हूँ। तो सिंपल सा आपको अपने प्रोफाइल वाले बटन पे एक बार प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, उसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जनरल का, आपको जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा नेटवर्क परफॉर्मेंस का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एप डाउनलोड परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है और ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा जो कि मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। सो गाइस, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ पे क्लिक करना है और डू नॉट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके डन कर देना है। देखो मेन जो प्रॉब्लम है वो सेम यहीं से आती है, ये जो मैंने किया डू नॉट ऑटो अपडेट, मतलब कि ये अगर ये आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक कोई भी डाउनलोड हो, कोई भी ऐप जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग करोगे तो आप लोग जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में ही रहेगा। तो जो भी मैंने आपको बताया आप लोग उस प्रकार से करते हो तब आप लोग को जो भी ऐप है ना वो ईजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो बस आपको यही सेम चीज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।